सो फाइनली फीफा का सीजन आया और मैं खरीद लिया अपना एक आईफोन आईफोन 14 जो कि मैं साल वेट करने के बाद फिर आके कल से दिन शुरू हो गया, फीफा चालू हो गया और मेरा तो भाई एकदम माशाल्लाह जैसा दिन चल रहा है ना भाई, खतरनाक वाला। मतलब फीफा आएगा था ना, मतलब एक अलग ही क्या बोलते हैं, एक अलग ही एनर्जी काम करता है अंदर। मतलब फटाफट काम खत्म करो, उसके बाद आके भाई मैच देखने के लिए बैठ जाओ। आज भी 7 बजे से मैच है, कल का मैच मैंने देखा और भाई खतरनाक गेम हुआ कल। वैसे मैं तो अर्जेंटीना का सपोर्टर हूँ, आप लोग किसका सपोर्टर हो कमेंट में बता दो। और भाई 23 तारीख तो मैच है, मतलब खतरनाक। मैं तो सोच रहा था एक जर्सी खरीद लेने के लिए, मतलब मैं तो डाई हार्ट फैन हूँ और वो तो पता ही है, सभी को पता है कि अर्जेंटीना का फैन मतलब है तो एक जन तो है उसमें ही, वो जो भगवान गॉड ऑफ गॉड जिसको बोला जाता है लियोनेल मेसी, मतलब उनका गेम देखना मतलब बैट के मतलब 90 मिनट्स कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पता तक नहीं चलेगा। और ये तो लास्ट मैच है ये साल, सो और भी अच्छा तो लगता तो है इस बार अर्जेंटीना कप लेगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, देखा जाए कौन लेता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। सो फाइनली फीफा का सीजन आया और मैं खरीद लिया अपना एक आईफोन 14 जो कि मैं रिसेंटली लिया। पहले मैं फ़ोन का बॉक्स दिखा देता हूँ और मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये वाला मेरा आईफोन 14 जो कि आ गया, कितना छोटा बॉक्स हो गया। जब मैं ये खरीदा था, मेरा आईफोन 6s खरीदा था, वो टाइम में कितना बड़ा और कितना मोटा था सिर्फ पैकेट का ही, और ये तो कितना पतला है, एकदम छोटा, मतलब इतना पतला। अभी चार्जर वगैरह भी नहीं देता इसके साथ, ओनली फ़ोन ही आता है और डाटा के भी लाता है, सो इसीलिए पूरा पतला हो गया। इसको चलते हैं अनबॉक्स करने के लिए। सो मेरे को इसके लिए ओपन करने के लिए एक चाकू चाहिए जो कि मेरा यहाँ पे है, ये वाला मैं ले लिया चाकू। सो अभी चलते हैं अपना आईफोन 14 को अनबॉक्स करने के। सो अभी करते इस बॉक्स को अनबॉक्स जिसमें कि मेरा आईफोन 14 है। भाई वेट तो है इसका, वेट तो है, थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, ना जाए। बहुत बड़ा फटका लगा है, बहुत बड़ा, तो देख के चीज मेरे को देख के खोलना पड़ेगा। कट कर लिया इसको, नॉर्मली कैप टाइप का, जैसा कैप टाइप का होता है कि ऐसा मिल गया फोल, जिससे खोल तो हो जाएगा, लेकिन वैसा टाइप का ही होता है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा रोल कर दिया। मैं बोला ना जैसे पूरा रोल कर दिया, वैसा पूरा का पूरा रोल कर दिया इसको। इसको हटा दिया मैंने स्टिकर, सभी खोलते मेरा आईफोन 14। टाडा, ये रहा मेरा मीवी का हेडफोन। अभी आप लोग सोच रहे हो मैं तो बोला आईफोन 14 लेकिन मीवी का हेडफोन, भाई एक छोटा सा प्रैंक और कुछ नहीं। एक्चुअली अभी आईफोन 14 खरीदने का मेरे पास उतना पैसा नहीं है, सही बात बोलने से मैं एक छोटा सा प्रैंक किया आप लोगों को एंजॉय देने के लिए और कुछ नहीं। ये बेसिकली मेरे को ऑफ़र में मिला था मीवी का हेडफोन, कुछ 299 मिडिल में 70% मीवी का ऑफ चल रहा था, इसलिए मैंने हेडफोन खरीद लिया। अभी आने के बाद ऐसा सेम पैकेज होता है आईफोन लेने के टाइम, सो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा स्वीट सा एक प्रैंक कर देते हैं। 13 लेने का मेरे को एक मन में चढ़ा है, 12 नहीं तो 13 कोई तो एक लेने का मेरा मन में चढ़ा है, वो लेने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। और थोड़ा सा दाम घटेगा, प्राइस थोड़ा सा और डाउन होगा, उसके बाद ही मैं खरीदने वाला हूँ, अभी नहीं। जैसे कि मैंने मीवी का हेडफोन आ गया है, सो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं अभी। सो जैसा कि मैंने बोला आईफोन, सो आईफोन जब बोला मेरे पास 6s है, सो इससे ही मैं इस हेडफोन का साउंड क्वालिटी चेक करने वाला हूँ, कितना अच्छा साउंड क्वालिटी है सब कुछ। सो अभी पहले ये बॉक्स को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये वाला अमेजन से मेरे को लेना पड़ा इसीलिए क्योंकि मीवी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें दिखा रहा था, लेकिन मेरे को ऑर्डर देने से वो आ नहीं रहा था, मतलब एड्रेस का जगह में जब भी मैं डिलीवरी मार रहा था वो नहीं ले रहा था, वो जगह में जाके अटक कर आ रहा था, मतलब कोई ग्लिच तो हो रहा था वेबसाइट में। सो इसीलिए मैंने अमेजन से ऑर्डर किया। सो अभी अनबॉक्स मैं कर देता हूँ इसको। सो ये हो गया प्लास्टिक खोलना, अभी इसको नॉर्मली ऐसे उंगली घुसाएंगे
और ये रहा हम लोगों का हेडफोन जो कि मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है। निकालते हैं पैकेट से। इसमें मेरे को एक्स्ट्रा ईयरबड भी दिया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओपी हेडफोन पूरा। भाई ये खुलता कैसे है? ये रहा पूरा हेडफोन। एक एक चीज पूरा डिटेल में है, जैसे कि यहाँ पे पूरा मीवी लिखाई लिखा पूरा एकदम दिखाई दे रहा है, क्लियर कट यहाँ पे। उसके साथ साथ ये जो है सबसे अच्छा मेरे को ये लगा, क्योंकि एक्चुअली ये जब फ़ोन में घुसता है पॉकेट में रहता है, फंस जाने का मतलब ये ख़राब हो जाने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है इसमें। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, ख़राब नहीं होने वाला यहाँ पे, ऐसा है करके ख़राब नहीं होने वाला। और इसका हेडफोन देखो कितना डिटेल में है, एक्चुअली ब्लर होके रखा है। मैं और थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ, अभी डिटेल समझ में आएगा, ये देखो कितना डिटेल में है। तो अभी इसको मैं चला के एक बार देख ही लेता हूँ कि कैसा कैसा साउंड है इसका। फिर डालते इसको इधर ऐसे, और ये वाला सबसे अच्छा ऐसा बेंड होके रखा है, सो पॉकेट के अंदर भी अगर रहेगा मेरा फ़ोन तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अभी इसमें यूट्यूब चलाते हैं, वाईफाई तो ऑन है ही, सो एक अच्छा खासा कुछ गाना लगाते हैं। यहाँ भेड़िया का जो जंगल में कांड वो वाला चला देता हूँ, अच्छा वाला तगड़ा धक धक बेस है, सो वाला चला देता हूँ एक बार। इसीलिए मीवी मतलब इतना सुंदर क्लियर डिटेल में साउंड है, पूरा डिटेल में। आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा सा साउंड सुनाई दे रहा होगा इसका, कि कैसा साउंड आ रहा है बाहर। जो बैकग्राउंड में बेसिकली जो गाना बज रहा था वो मेरा हेडफोन का बज रहा था, मेरा फ़ोन का नहीं। आप लोगों को मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा हेडफोन लगा हुआ है, और मैं अभी भी प्ले कर दूँगा, देखो सुनो कैसा साउंड देखा, मतलब इतना तगड़ा साउंड है ना भाई, डिटेल में बेस वगैरह सब कुछ डिटेल में सुनाई दे रहा है। तो मेरे पास था ही ऑलरेडी, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब उसका कनेक्शन में प्रॉब्लम है, एक कान का बज रहा है और एक कान का नहीं। ऑलरेडी उसको दो बार मैंने क्लेम कर दिया है, तीन बार भी मैं क्लेम कर सकता हूँ, उसका वारंटी है, लेकिन और नहीं चाहिए भाई, एक बार जाता है तो बहुत ये हो जाता है। इसलिए मैं और उसको क्लेम करना नहीं चाहता। फिलहाल मेरा घर का करेंट अभी चला गया, अभी ब्लॉग मेरे को बंद करना पड़ेगा क्योंकि करंट चला गया। आप लोग भी देख पाए। अभी मैं निकलता हूँ अपना काम के लिए, काम खत्म करके फिर मेरे को फटाफट घर लौटना है, क्योंकि 7 बजे से फिर से गेम है।